Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from my YouTube channel. We have discussed continuous tenses and indefinite tenses in the previous lectures. Listening exercises humne shuru karni hai. Uske liye hum ab off and on movies aapko recommend karenge. Aur साथ ही लिसनिंग एक्सरसाइज के लिए कॉट इन प्रोविडेंस एक फेसबुक पेज है. इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें ताकि आपको इसकी वीडियोस इस पे अपलोड होती हैं वो आपको कंटिन्यूसली जो है वो आपकी टाइमलाइन पे आया करें और इन वीडियोस को देखें. छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हैं. प्रोविडेंस जो है ये शहर है, कैपिटल सिटी है, यूएस की स्टेट है, रोड आइलैंड उसका ये कैपिटल सिटी है. 1832 में ये शहर इनकॉर्पोरेट हुआ और इस शहर में अगर आप पकड़े जाते हैं ट्रैफिक क्राइम्स के ऊपर, पार्किंग क्राइम्स के ऊपर या कुछ और क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर, तो इसलिए कि कॉर्ट इन प्रोविडेंस, प्रोविडेंस में आप पकड़े गए. तो म्यूनिसिपल कोर्ट है प्रोविडेंस की, वहाँ पे चीफ म्यूनिसिपल जज हैं फ्रैंक कैप्रियो. इनकी अदालत में आप पेश होते हैं. इन्होंने उस कोर्ट हेयरिंग को, कमरा अदालत में जो समाप्त होती है उसको ये फिल्म कर रहे हैं, फिल्माते हैं इसे और उसको रिकॉर्ड करके इसके ऊपर चलाते हैं. रियल पीपल विद रियल कोर्ट केसेस दे कम टू द कोर्ट और उनको रिकॉर्ड करके इस फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड किया जाता है. इसमें जो चीफ जज हैं फ्रैंक कैप्रियो, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी कंपैशनेट एंड वेरी कंसिडरेट. 1985 में ये चीफ जज के तौर पर तैनात हुए थे एंड 6 टाइम्स ही हैज बीन रीअपॉइंटेड, 6 दफा उन्हें दोबारा अपॉइंट कर किया गया है. छोटे छोटे से वीडियो क्लिप्स हैं, छोटे छोटे से केसेस हैं. आप लोगों की लिसनिंग बेहतर होगी, सबटाइटल्स साथ चल रहे हैं, आप लोग उसको देखेंगे और कुछ और मॉरली कुछ बातें बड़ी अहम हैं. यू विल लर्न काइंडनेस, यू विल लर्न हाउ टू बी कॉन्सिडरेट एंड काइंड टू अदर्स. ना इस फेसबुक पेज को आपने लाइक कर लेना है या जो चैनल का फेसबुक पेज है उसे आप लाइक करें, उसके ऊपर भी इसकी वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसे देखें. इस फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तो डायरेक्टली आप इन वीडियोज को देख सकेंगे. एक काम तो लिसनिंग एक्सरसाइज में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं. दूसरा जो पहली मूवी, एक एनिमेटेड मूवी है हॉटन हियर्स ए हू. ये मूवी आप लोगों ने देखनी है. इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, हाउ टू डाउनलोड ए मूवी, इसकी एक वीडियो बना के चैनल के ऊपर अपलोड की गई है. आप उसको देखें, वहां से फ्री मूवी डाउनलोड करने का तरीका देखें. साथ ही सबटाइटल्स डाउनलोड करने का तरीका भी अपलोड कर दिया जाएगा. आप उसको भी फाइल को देखें ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को फ्री मूवी डाउनलोड करनी आए और आपको जो है वो सब टाइटल्स डाउनलोड करने हैं उनके साथ फिर मूवी को देखें ताकि आप लोगों की लिसनिंग बेहतर हो, वोकैबुलरी नीचे चल रही होगी, उसकी जो सब टाइटल्स है नीचे चल रहे होंगे, वहां से आप अल्फाज देखें और फिर उन अल्फाज को आप जो आपको मुश्किल लगे आप डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखें. ये काम अब देखिए 6 टेंसेस के बाद हम कर रहे हैं. कुछ ना कुछ वहां पे रूल्स क्लियर हुए हैं, टेंसेस की एक्सरसाइजेस हम बार बार कर रहे हैं और अब ऑनवर्ड्स ये रूटीन में इट विल बी रेगुलर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर्स कि हम कोई ना कोई मूवी वीक में एक मूवी जरूर आप लोगों को मैं उसको बताया करूंगा कि ये मूवी आप देखें. ये जो हॉटन हियर्स ए हू है ये कैसी मूवी है, देखिए अगर हम इस कायनात को देखें, इस यूनिवर्स को देखें, इसकी वास्टनेस को इमेजिन करें, बहुत वसी है कायनात जो है वो कई कहकशानी निज़ाम के ऊपर मुश्तमिल है. हमारी जो कहकशां है वो मिल्की वे है, इसके अंदर
कई निज़ाम शमसी हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो 9 सितारे हैं, और अर्थ वो प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अब अर्थ के ऊपर आ जाएं तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े आज़म हैं, हम बड़े आज़म एशिया में रहते हैं, इसके अंदर कितने ममालक हैं, तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसके अंदर सूबे हैं, फिर जो है वो डिवीजन हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज़ हैं, उन शहरों के अंदर कॉलोनियाँ हैं, किसी एक कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में कई घर हैं और किसी एक घर में कई अफराद रहते हैं और उनमें से एक फर्द आप हैं। यानी जब हम अपने आप को कंपेयर करें इस यूनिवर्स की वास्टनेस के साथ, तो हमें लगता है हमारी हैसियत जो है वो एक पार्टिकल, एक रेत के ज़र्रे की तरह, एक छोटे से ज़र्रे की तरह रह जाती है। हॉटन जो है ये मूवी, दिस इज मूवी स्टोरी ऑफ ए जंगल, और हॉटन एक हाथी है। अब वो बड़ा शरारती सा जंगल में दूसरे जानवरों के बच्चों को सिखाता है, उनके साथ जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो ऐसे बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो उसके हवा के जो है वो ऊपर एक चल रहा होता है एक स्पेक, वो उसके कानों के करीब से गुजरता है तो उसको उस स्पेक में से आवाज सुनाई देती है, तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो उसकी तरफ जो है वो तवज्जो करता है, तो वहां से उसको एक नई दुनिया इंट्रोड्यूस होती है कि आप देखें कि क्या एक स्पेक के ऊपर जिंदगी हो सकती है। जिस तरह से अगर हम अपनी यूनिवर्स को बहुत ऊपर से देखें तो वो एक छोटे से जरे की मानिंद हमें दिखाई देती है, तो क्या हम अगर किसी छोटे से जरे को देख रहे हैं तो वहां पे हमें, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस मूवी को आप देखेंगे, यू विल सी द एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉटन, और वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है दूसरे जानवरों को, क्या वो कायल कर पाता है कि नहीं, कि इस तरह से लाइफ हो सकती है। इस मूवी में आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे, इन तजर्बात को आप जो है वो अपने सामने देखेंगे। इसकी वोकेबुलरी फाइल वो इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी, जो कुछ मीनिंग्स मैंने उसमें से देख के लिखे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, वो आपके सामने लिखे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे। इस मूवी को ज़रूर देखिएगा आप इसके ऊपर, ताकि आपकी वोकेबुलरी बने। एनिमेटेड मूवी है ये, फर्स्ट मूवी है, इसे स्टार लिया है, हम नेक्स्ट मूवीज पे जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ एक मूवी लाजमी डिस्कस किया करेंगे। दो काम है आपके, कॉट इन प्रोविडेंस फेसबुक पेज लाइक करना है, और इसकी वीडियोस आपने रेगुलरली कोई एक दो लाजमी रोज देखा करनी है, और हॉटन हियर जेहू, दिस इज द मूवी यू हैव टू वॉच। मूवी डाउनलोड करने का तरीका चैनल पे डाल दिया गया है, वोकैबुलरी फाइल इसमें दे दी गई है, उम्मीद है आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।